हेलो दोस्तों, अभी लास्ट फोन जो हमने बात की थी वो भर भर के स्पेसिफिकेशन के साथ आया था। वो था एसुस रोग फोन 3। बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ वो फोन आया था। उससे पहले हमने वन प्लस नॉर्ड के बारे में बात की, लेकिन कुछ एक फोन ऐसे होते हैं जिसे मैं रिकमेंड नहीं कर सकता। इनफैक्ट मैं मना करूंगा कि आप ऐसे फोन लीजिए। और मेरे हिसाब से अराउंड 70% पीपल ऐसे फोन को लेने में इंटरेस्टेड है। आई होप कि कंपनीज इसके लिए भी कुछ प्लान आउट करें, बट अभी जो फोन अवेलेबल है आप वो फोन मत लीजिए। मैं बात कर रहा हूँ वो फोन जो कि 5,000 के आसपास के आते हैं। अराउंड 5 to 7,000 का बजट कई लोग बनाते हैं एंड्रॉयड फोन लेने के लिए। हाल ही में मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि मुझे एक फोन लेना है जिसका जो प्राइस है वो अराउंड 5 to 7,000 तक का हो, लेकिन स्पेसिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने कहा चलो देखते हैं क्या मिल रहा है और लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तब मैंने ये कंक्लूड किया कि ये वीडियो बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जिनका बजट का कंसर्न होता है। और अगर मैं देखूं तो काफी लोग प्रीमियम फोन्स या फिर मिड रेंज फोन 15,000-20,000 के फोन लेने की जगह पे प्लान आउट करते हैं ऐसा कोई फोन जो 5-6 हजार रुपए का आ जाए। इनफैक्ट अगर हम देखें तो हमारे कई एक भाई ऐसे होते हैं जिनकी सैलरी ज्यादा नहीं होती है। 15-20 हजार अगर मंथली सैलरी है तो आप 15-20 हजार रुपए मंथली एक्सपेंसेस जो है वो फोन में नहीं डालेंगे, आप अपने घर परिवार के डालते हैं। तो कई लोग ये प्लान करते हैं कि हम 5-6 हजार का फोन लें। इनफैक्ट मैं खुद सोचता हूँ कि अगर मुझे मेरे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के लिए कोई फोन लेना है तो एक महंगा फोन क्यों दूं, वो तो टेक से भी है नहीं, उनको क्या जरूरत है 4, 6, 8 GB रैम की या हायर एंड प्रोसेसर की। हम सभी ऐसे सोचते हैं और कोशिश करते हैं कि जिसका जैसा यूज है वैसा हम फोन लें। प्लस एक डिपार्टमेंट वो भी आता है जो ये बोलता है कि मुझे फोन सिर्फ इसलिए चाहिए कि बेसिक फोन उसमें हो जाए, SMS आ जाए, WhatsApp कनेक्टिविटी हो जाए, और हम तब जाकर के कुछ एक गलतियां कर जाते हैं। तो मैं दो कैटेगरी रखता हूँ जो फोन आपको नहीं लेना चाहिए, और ये दोनों कैटेगरी जो है वो 5 to 7,000 के बीच में आती है। पहली कैटेगरी होती है ब्रांड, ऐसे ब्रांड जिसका नाम आपने नहीं सुना है, और अगर आप वैसे फोन लेने जा रहे हैं तो वो आपकी पहली गलती है। iTOL, iCall, Alcatel थोड़ी बड़ी कंपनी है लेकिन इंडिया में वो अनफेमिलियर है, आप उसके कहीं पे भी प्रेजेंटेशन या एडवर्टीजमेंट या ऐसा कुछ देखेंगे नहीं। टेक्नो स्पार्क और बहुत सारे ऐसे कंपनीज के नाम है जो हम सुनते हैं कि ये जो फोन है ये आपको 5-6 हजार रुपए में 3 GB 64 GB, इनफैक्ट कोई कोई मॉडल तो 4 GB 64 GB भी दे देता है। आप खुद ही सोचिए, अगर एक कंपनी एडवर्टीजमेंट के लिए अपना पैसा नहीं डाल पाती कि जिससे उनको अर्निंग होती है, एडवर्टाइज करेंगे लोग फोन ज्यादा खरीदेंगे उनको अर्निंग होगी, तो वो आफ्टर सेल सर्विस में पैसे डाल पाएंगी। ऐसी कंपनी की आफ्टर सेल सर्विस बहुत पुअर होती है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जिन फोन्स का आपने नाम नहीं सुना है, जिन ब्रांड्स का आपने नाम नहीं सुना है, आप उसके लिए बिल्कुल मत जाइए। सैमसंग हो गया, इनफैक्ट जो हम बायकॉट चाइना कहते हैं, तो बायकॉट चाइना की जगह पे आप ये देखिए कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स कौन से हैं, रेडमी या फिर रियल मी, इनफैक्ट इन्फिनिक्स करके जो ब्रांड है, इन्फिनिक्स ओप्पो का ही एक लोअर बजट का फोन का ब्रांड है, तो बहुत अच्छी डील आपको वहां पे मिल जाती है। आप जिन ब्रांड्स को नहीं जानते उनका ऑनलाइन या ऑफलाइन कभी फोन मत लीजिए। मेन रीजन ये है कि ये साल भर भी सस्टेन नहीं करते। साल भर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो ना तो आफ्टर सेल सर्विस मतलब वारंटी पीरियड के बीच में आपको ठीक ठीक से इनकी वारंटी भी नहीं मिलती है, और अगर आप रिपेयर करने जाते हैं तो इनके पार्ट्स भी नहीं मिलते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि 5 to 7,000 की रेंज में ये पहला प्रॉब्लम होता है। अगर इसकी जगह पे आप ब्रांड वाले फोन लेने जाते हैं तो सेकेंड प्रॉब्लम अराइज होती है। मैंने कहा था कि दो प्रॉब्लम्स की कैटेगरी है। सेकेंड प्रॉब्लम होती है स्पेसिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। आपको ब्रांडेड फोन मिल रहे हैं 5 से 7 हजार के फोन के रेंज में, लेकिन आपको क्या मिल रहा है, 1 GB या 2 GB रैम और मैक्सिमम 16 GB इंटरनल स्पेस। आप ये सोचते हैं कि यार मुझे एक अच्छे ब्रांड का फोन तो मिल रहा है लेकिन स्पेसिफिकेशन तो क्या हुआ, मुझे किस लिए चाहिए। मैंने पहले भी बताया था मुझे किस लिए चाहिए, सिर्फ फोन करने के लिए। यार अगर सिर्फ फोन करने के लिए अगर मुझे फोन लेना होगा ना तो मैं सैमसंग गुरु या नोकिया के जो बेसिक फोन है जो 1,000-1,500 के आते हैं ना वो ले लूंगा, ये फोन नहीं लूंगा। आप ये फोन लोगे तो आपकी क्वालिटी थोड़ी सी और बढ़ेगी। आप बोलोगे कि मुझे व्हाट्सएप चलाना है, फेसबुक चलाना है, ठीक है मैं गेम नहीं खेलता लेकिन कैमरे से फोटो तो क्लिक कर ही सकता हूँ ना, वीडियो रिकॉर्ड कभी करना हुआ तो मेरे पास कैमरा है ना,
ये फोन उस टाइम पे आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएंगे। आज के टाइम पे जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है ना, उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज्यादा है। 2 GB और 16 GB पे आप WhatsApp तो डाउनलोड कर सकते हैं, WhatsApp रन भी करेगा, लेकिन जैसे जैसे उसमें डेटा आता जाएगा, आपकी इमेजेस आएंगी, वीडियोज आएंगी, और आप सोचेंगे कि मैं इनको क्लियर कर दूंगा। आप उनको क्लियर भी कर सकते हैं, स्टिल WhatsApp का अपडेट जो बेसिक एप्लीकेशन है, जो इनबिल्ट एप्लीकेशन है, उनका अपडेट जो है ना, वो आपके फोन को धीरे धीरे स्लो कर देगा। करता है कि नहीं? आप में से कई लोग ये बात को मानेंगे भी कि आपका जो फोन है वो ब्रांडेड है, लेकिन स्पेसिफिकेशन कम है तो स्लो काम करता है, हैंग हो जाता है, ऑन टाइम आप अटक जाते हो। तो मैं आपको वहां पे भी नहीं कहूंगा कि आप एक ब्रांडेड फोन लें जिसकी स्पेसिफिकेशन पुअर हो, डल हो। तो अब क्या करें? मेरे हिसाब से आपको फोन लेना चाहिए जिसमें कम से कम 3 GB रैम हो, 16 GB अगर इंटरनल स्टोरेज है तो ओके है, आप स्टोरेज एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने देखा है कि ये जो बजट फोन्स रहते हैं उसमें SD कार्ड का सपोर्ट रहता है। लेकिन ट्राई कीजिए कि आपकी मिनिमम स्पेसिफिकेशन जो हो ना वो 3 GB हो, 32 GB हो, और उसके साथ साथ ऐसा कोई ब्रांड जो आप जानते हो। Realme हो गया, Oppo का ब्रांड है, Infinix मैंने बताया, कई लोग इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन आप जब चेक करेंगे तो ये Oppo का ही एक सब ब्रांड है, तो आपको वारंटी इसकी भी Oppo के सर्विस सेंटर में मिल जाती है, ना कि आप iTall, iCall, TechnoSpark, 4 GB, 64 GB मेमोरी वाले जो फोन है ना आप वो ले रहे हो जिसके अंदर 3-3, 6-6 कैमरा है। तो मेरे हिसाब से आप फोन लेते वक्त हमेशा कंसर्न करें, ठीक है आपका बजट कम है, लेकिन बजट के हिसाब से सबसे पहली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि वो ब्रांडेड हो, सेकंड रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि इसमें 3 GB इंटरनल रैम जो है ना वो पक्का हो, और 16 GB के ऊपर की अगर आपको मेमोरी मिलती है, 32 GB मेमोरी के आसपास मिलता है तो काफी बेटर होगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक दो फोन ऐसे हैं जो मेरे हिसाब से आप ले सकते हैं, ये 7,000 से 8,000 के बीच में आते हैं, और आज के टाइम पे ये फोन थोड़े से महंगे ही मिलते हैं, आपको देखने को मिलेगा कि ये फोन आपको 8,000 to 10,000 की रेंज में मिल रहा है। यही हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप कोई भी कैटेगरी में आते हो, आप मेरे वो भाई बहन हो जो अपने घर को एडजस्ट कर रहे हो, अपने घर को चलाते वक्त फोन लेना चाहते हो, तो भी थोड़ा बजट बनाओ, नहीं बनता तो सेकेंड हैंड फोन देखो, अगर कोई रिलायबल सोर्स से मिलता है तो एक ब्रांडेड फोन 3 GB और 32 GB मेमोरी के साथ प्लान करो, और अगर नया ले रहे हो तो मैंने कुछ एक लिंक दी है, अपना बजट थोड़ा सा ऊपर बना करके इन्हीं फोन के को लीजिए, वरना ऐसा रहेगा कि वो फोन शायद आपका साल भर चले, 2 साल चले, लेकिन अगर आप 3 GB 32 GB ले लेते हैं ना तो मेरे हिसाब से 2 years प्लस आपका फोन नॉर्मल चलता रहेगा। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ बने रहिए, जल्द मिलते हैं, टेक केयर।